14 साल से बाल विवाह का दंश झेल रही बिंदिया को एडवोकेट रुचि सेठी ने संबल दिया। उनके प्रयासों से बालिका वधु बिंदिया को असली आजादी प्राप्त हुई। बिंदिया मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही बाल विवाह की बेड़ियों की जकड़ में आ गई थी। बिंदिया का बड़े होने पर खुद के बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसे सुनकर वो अवसादग्रस्त हो गई। उसको अपने ख्वाब टूटे हुए दिखाई दिए। इसी दौरान ही ससुराल वालों ने बिंदिया का गोना करने का दबाव बनाया और धमकियां दी, जिस कारण बिंदिया का पूरा परिवार डर और भय से सहम गया। बिंदिया के भाई किशन ने साहस रखते हुए सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए बाल विवाह को निरस्त करने के लिए एडवोकेट रुचि सेठी विशाल सिंघल से संपर्क किया और अपने कमजोर आर्थिक स्थिति व पीड़ा के बारे में वास्तविकता से अवगत कराया। एडवोकेट रुचि सेठी ने 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर बाल विवाह को निरस्त करवाया। पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 5 जयपुर में बिंदिया के बाल विवाह को शून्य करार दिया। उक्त केस में एडवोकेट रुचि सेठी ने कोई फीस नहीं ली। इससे पूर्व भी कई गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए निशुल्क पैरवी कर चुकी है। कोर्ट का फैसला आते ही बिंदिया व उसके भाई किशन की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने एडवोकेट रुचि सेठी का बहुत बहुत आभार जताया। एडवोकेट रुचि सेठी को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई नामांकन अवार्डों से नवाजा जा चुका है, जिसमें वुमेन अचीवर्स अवार्ड, लोकमत स्मृति अवार्ड, ट्रेले ब्लेजर वुमेन अवार्ड, द लेजेंड अवार्ड ऑफ इंडिया, जयपुर नगर निगम द्वारा नारी शक्ति सम्मान, उम्मीद रत्न अवार्ड, जयपुर रत्न सम्मान, राजस्थान वुमेन अचीवर अवार्ड, सशक्त नारी सम्मान, महिला दिवस पर AU बैंक व रिलायंस कंपनी द्वारा सम्मान, इंडो इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड, स्वामी विवेकानंद सम्मान, नारी शक्ति योद्धा सम्मान, बेस्ट ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड, इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड आदि उनको मिल चुके हैं।